अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं निशात और आज मैं आपसे शेयर करने वाले हूं द मोस्ट डिलीशियस एंड टेस्टी रमज़ान स्पेशल रबड़ी मालपुआ की रेसिपी शेयर कर रही हूं, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही डिलीशियस है। ये रेसिपी आपको ज़रूर एक बार ट्राई करनी चाहिए। तो चलिए हम हमारे इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मैंने गैस पर पैन रखा है और फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वो है 2 कप जो है मिल्क ऐड कर रही हूँ। फिर हम इसमें ऐड करेंगे वो है 1 कप शुगर। फिर हम हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून इलायची पाउडर। और फिर हमें ऐड करना है वो है पिंच ऑफ फूड कलर, तो ऑरेंज फूड कलर मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। और ये ऐड करने के बाद में हम अच्छे से मिक्स करेंगे। शुगर मेल्ट होने के बाद में, दूध को बॉईल आने के बाद में, हम गैस का फ्लेम जो है वो ऑफ करेंगे और फिर हम इसे पूरी तरह ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ठंडा होने के बाद में हम हमारा जो मालपुआ बैटर बनाने के लिए फर्स्ट जो इंग्रेडिएंट है वो लेंगे, तो वो है मैदा। तो 2 कप मैदा मैं यहाँ पर लूँगी और इसे स्टेप बाय स्टेप ऐड करके फिर हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। और ये ऐड करने के बाद में हम इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारा बैटर है वो अच्छे से रेडी हो गया है, इसमें कोई लम्स नहीं है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे वो है पिंच ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा हमें ज़्यादा नहीं लेना है, पिंच ऑफ बेकिंग सोडा ही आप यूज़ कीजिए। और फिर मैं इसे अच्छे से मिक्स करती हूँ। फिर हम इसमें ऐड करेंगे वो है 3 eggs, 3 अंडे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और फिर हम इसे अच्छे से वापस से मिक्स करेंगे ताकि ये ऑल इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। और मिक्स करने के बाद में हम हमारे इस बैटर में एरोमा के लिए ऐड करेंगे केवड़ा एसेंस। तो केवड़ा एसेंस मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून केवड़ा एसेंस यूज़ किया है। मैं वापस से इसे मिक्स कर रही हूँ और ये हमारा जो मालपुआ बैटर है वो बन के रेडी हो गया है। फिर हम मालपुआ बनाने के लिए गैस पे एक पैन रखेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे वो है ऑयल। ऑयल की जगह पे आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये ऐड करने के बाद में, ऑयल गर्म होने के बाद में, हम इसमें हमारा जो बैटर है वो धीरे धीरे डालेंगे। और गैस का फ्लेम आपको मीडियम रखना है, हाई फ्लेम पे इसे मत पकाइए या फिर ये जल सकता है। तो मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे। तो आप देख सकते हो जो हमारा मालपुआ है वो कितना परफेक्टली बन के रेडी हो रहा है। अगर इसी सही मेजरमेंट से आप इससे बनाओगे तो आपका भी मालपुआ बहुत ही परफेक्टली बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 साइड कुक होने के बाद में मैं इसे पलट देती हूँ, तो अदर साइड आप देख सकते हो कि कितना अच्छा इसे कलर आया है और कितना परफेक्टली बन के रेडी हो गया है। तो यहाँ पे जो है हमारा ये मालपुआ रेडी हो गया है। ऐसे ही मैं अदर मालपुए बनाती हूँ। तो ये जो रबड़ी है इसकी रेसिपी इंशाल्लाह आगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर मिलेगी। तो यहाँ पे फिर मैं इस पे रबड़ी डाल देती हूँ और रबड़ी डालने के बाद में कुछ ड्राई फ्रूट्स से हम इसे डेकोरेट करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे ये मालपुए को और खूबसूरती इसमें ऐड हो जाए। ऐड करने के बाद में ये हमारा जो मालपुआ है, ये रेसिपी हमारे रेडी हो गई है, जो कि बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही टेस्टी बन के रेडी हो गई है। तो इस रमज़ान में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। और ये रेसिपी आपको अगर अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर कीजिए। और मेरे चैनल पे अगर न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। तो मिलते हैं हम हमारे नए वीडियो में। टिल देन बाय, अल्लाह हाफिज़।